यूपी के चुनावी रण में आजकल अखिलेश यादव एक मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं और वो है सड़क पर घूम रही गौ माता और सांड का मुद्दा, जो योगी जी के प्रिय तो बहुत हैं, लेकिन 5 साल की सरकार में योगी जी ने इन सबको ठहराने के लिए कोई विशेष इंतजाम नहीं किया। दम तो उन्होंने बहुत भरा था गौशाला खोलने का, गौ माता की रक्षा करने का। क्या इस तरह से योगी ने की है गायों की रक्षा कि वो लोगों की ही जान पर भारी पड़ गई है? हालात ये हो चले हैं कि गाय और सांड से यूपी की सड़कें भरी पड़ी हैं, जिससे न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और फिर भूखे होने की वजह से न जाने कितने किसानों की फसल बर्बाद कर दी है इन सड़क पर खुले घूम रहे सांड और गायों ने। ऐसे में अखिलेश ने वादा किया है कि सपा की सरकार बनते ही सांड के हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा देंगे। अखिलेश ने ट्वीट कर दिखाया था कि कैसे सांड सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं और लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अखिलेश ने लिखा था, गोरखपुर में अपना रंग दिखा चुकी कुसंगति, अब तो चौपियों ने भी अपना ली ठोको नीति। सांडों के आतंक से उत्तर प्रदेश के शहरों गांवों में निरंतर दुर्घटनाएं दिक्कतें हो रही हैं और व्यापारियों और ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। जनता को अपने हाल पर छोड़कर भाजपा सरकार गायब है। चलिए अब जानते हैं आखिर कैसे ये चुनावी मुद्दा बन गया। लखीमपुर खीरी में कुछ महीनों पहले सांड के हमले ने ली इतवारी गौतम की जान। आवारा पशुओं के फसल खराब कर देने के डर से रात भर पहरा देना पड़ता है। सांड और आवारा पशुओं से छोटे किसानों को परेशानी, सांडों का झुंड खेत कर देता है तहस नहस। पीलीभीत में सांड ने गुरबाज सिंह पर किया हमला, मौके पर ही मौत। पीलीभीत के बांसुरी चौराहे पर हरिओम कश्यप की सांड के हमले में मौत। ऐसे ही कई मामले हैं जहां पर गौवंश को बचाने के योगी सरकार के प्रण का भुगतान लोग अपनी जान गंवा कर रहे हैं। योगी शासन में गौहत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है। साल 2017 में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी और योगी प्रदेश के मुखिया बने तो उन्होंने सत्ता पर विराजमान होने के कुछ महीनों में ही अवैध बूचड़खाने बंद करवा दिए। गाय या गौवंश पशुओं की हत्या पर बने कानून में योगी सरकार ने संशोधन किया और 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया, जिससे हुआ ये कि प्रदेश में आवारा पशुओं की तादाद बढ़ती चली गई। साल 2019 की गणना के अनुसार मवेशियों की आबादी में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि देश में आवारा पशुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई, जिसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग राज्य से भी आवारा पशु यूपी में आ गए और यहाँ के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। यूपी में आवारा पशुओं की तादाद में इजाफा, 2012 में 10,09,436 आवारा पशु, 2019 में आंकड़ा बढ़कर 11,84,494 हो गया। किस जिले में सबसे ज्यादा आवारा पशुओं का आतंक? चित्रकूट में 68,813, हरदोई में 48,173, गोंडा में 52,615, बांदा में 47,658, महोबा में 61,765। प्रदेश में किसानों की एक बड़ी तादाद आवारा मवेशियों के मुद्दे से प्रताड़ित महसूस कर रही है, लेकिन अफसोस योगी सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि योगी ने सांड के उत्पात को देखा नहीं है। 25 दिसंबर 2021 को आगरा के गांव बटेश्वर में सीएम योगी को जाना था, उससे पहले सभा स्थल में सांड घुस आया था, जिससे अफरा तफरी मच गई थी। 4 फरवरी 2022 को कानपुर में जनसभा में उद्योग मंत्री सतीश महाना गए थे, अचानक सांड के आने से जनसभा में भगदड़ मच गई थी। 17 फरवरी 2022 को फिरोजाबाद में सपा की जनसभा के दौरान सांड घुस आए थे। सुनिए अखिलेश ने अभी हाल ही में इन आवारा पशुओं पर क्या कहा था। हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही, गौशाला जो बनी थी उसमें जो हमारी गाय की सेवा होनी चाहिए थी न भूसा दे पाई, और हजारों करोड़ रुपए का बजट लगाया लेकिन गाय मां भूखी भूखी होकर के भी जान दे गई। हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर है, उसे भी अभी तक नहीं हटा पाए। सड़कों पे घूम रहा है या खेतों में घूम रहा है, बताओ फसल बर्बाद हो रही है जानवरों से कि नहीं हो रही? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये सरकार अब जाने वाली है, अब इस सरकार को कोई रोक नहीं सकता।
अब देखते हैं 10 मार्च के बाद इन आवारा पशुओं का क्या होता है। पिछले 5 साल में तो आवारा पशुओं का जो हुआ है और आवारा पशुओं ने जो किया है वो तो हमने आपने देखा ही है। अब देखते हैं कि 10 मार्च को मतगणना के बाद आवारा पशुओं का उत्पाद बढ़ता है या फिर कम हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या होगा 10 मार्च के बाद? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।